हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ बी काइंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज का वीडियो जो होने वाला है गाइस, वो एक बिगिनर मेकअप किट होने वाला है। लाइक बिगिनर्स के लिए एक मेकअप किट मैंने क्रिएट की है, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे कई दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बिगिनर का स्किन केयर एंड मेकअप किट प्रिपेयर करूँ। तो मैंने एक्चुअली मेकअप किट तो प्रिपेयर कर ली है स्किन केयर के लिए। अभी मुझे प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं वो मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, तो जब भी वो मुझे रिसीव होते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगी ज़रूर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मेरे पास जो प्राइमर के लिए प्रोडक्ट है वो ये है एलोवेरा जेल, जो कि आप किसी भी कंपनी का कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास पतंजलि का है सौंदर्य एलोवेरा जेल, ये आपको 40 to 45 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड ये बिल्कुल प्राइमर की तरह आपकी स्किन पे ग्लाइड होता है, बिल्कुल आपके पोर को फिलअप कर देता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट इसके लिए इसको यूज़ करने से आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी ये आप यूज़ करें। प्राइमर के लिए प्राइमर्स भी हैं, लाइक ब्लू हेवन का प्राइमर है जो कि शायद 180 रुपीज़ का है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो भी कुछ इसी टेक्स्चर में है। तो मैं इसको सजेस्ट करूँगी आपको कि आप ये यूज़ करें। एंड फाउंडेशन के लिए मेरे पास जो है वो ये है गार्नियर का स्किन नेचुरल का है ये। एंड आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जाता है, इसकी जो सबसे ख़ास बात है ये काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है। लाइक बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल अच्छा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन प्लस मॉइस्चराइज़र है। ये बिल्कुल भी आपको इसमें कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं ज़रूरत है, आप सिंपली इसको हाथ में लो एंड लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये और ये भी शायद 180 रुपीज़ का है, मैं लिंक नीचे दे दूँगी, आपको जो भी चाहिए आप नीचे लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास अगर ये फेस पाउडर के लिए मैं मेरे पास चार ऑप्शन है बेसिकली। पहला है ये लैक्मे का सनएक्सपर्ट, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर लें। ये 220 का आता है, बट अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट नायका किसी पे भी आपको ऑफ़र में ये हमेशा ही लाइक 150 की रेंज में मिल जाएगा। तो एक ये है। एंड दूसरा मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट का है परफेक्ट रेडियंस, जो कि आपको 180 रुपीज़ में, इसका प्राइस है 180 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। एंड इसमें भी आपको ऑफ़र में हमेशा ही लाइक ऑफ मिल जाएगा, अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा 120 या 30 के रेंज में। एंड नेक्स्ट मेरे पास है जो अभी न्यू लॉन्च नहीं, आई गेस 1 ईयर हो गया है इसको लॉन्च हुए, मेबिलिन का फिटमी, जो बहुत एक छोटे इसमें आता है पैकेजिंग में इन्होंने स्टार्ट किया है। ये 199 का इसका प्रिंट है, बट ये भी आपको ऑफ़र में मिल जाएगा। एंड जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो ये है, ये लूज़ पाउडर है बेसिकली, तो अगर आप इसको ऐसे भी यूज़ करना चाहें जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, मतलब इसकी क्वांटिटी आपको मैं दिखाऊं तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक आप इसको एक साल भी मैं कह सकती हूँ कि आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये लूज़ पाउडर है, यानी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। आई गेस इसमें दिया 40 ग्राम मिल जाता है आपको 160 रुपीज़ में 40 ग्राम, विच इज़ अ ग्रेट डील। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ काजल की, काजल और ब्राउ पेंसिल्स की, तो काजल के लिए मैंने चूज़ किया है ये फेसेस का काजल, फेसेस कनाडा का, जो कि आपको 180 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है, नॉन स्मज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी काजल जितना भी प्रॉमिसिंग है कि वाटरप्रूफ है, नॉन स्मज है, पता नहीं, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी कि लाइक आप उसको यूज़ कर रहे हैं थोड़ी देर बाद वो स्मजना हुआ हो, ऐसा मेरे साथ तो फ़िलहाल नहीं हुआ। मैंने शुगर कॉस्मेटिक्स के काजल के बारे में बहुत सुना, जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं उसको होपफुली यूज़ करके चेक करूँगी कि वो स्मज होता है कि नहीं। एंड नेक्स्ट मेरे पास ये स्टेकोएकी का बैड एस वाटर रेजिस्टेंट है ये, बट ये भी कहीं वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। इसको भी मैंने लाइक लगाया था, बहुत ज़्यादा डार्क शेड में नहीं है, आप देख सकते हैं एक शेड के बाद इतनी लाइक पतली लाइन। मैं आपको सजेस्ट करूँगी लैक्मे का आइकॉनिक जो है वो मेरे पास अभी नहीं था, अदरवाइज़ मैं आपको शो करती ज़रूर। एंड इसकी भी थिकनेस हम देखेंगे, जो कि बहुत लाइट है, तो बहुत सारे लोगों को लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है कि वो बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा बोल्ड लगाए जब वो शुरू में कुछ मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए बहुत सही है। एंड आई पेंसिल के लिए मेरे पास है ये लैक्मे का जो 60 या 70 रुपीज़ का आई गेस आता है आई पेंसिल, जो कि बहुत नेचुरल शेड देता है, लाइक ये बहुत लाइट है, आपको इसको कई बार वो करना पड़ेगा तब जाके होगा। एंड जो मेरे पास बेस्ट है, जो कि बिगिनर्स के साथ साथ कोई भी यूज़ कर सकता है,
वो है ये वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट। मैं इसको हर किसी को सजेस्ट करूँगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा किट है। आप देख सकते हैं ये कुछ, अगर आपको दिख रहा हो ये कुछ इस तरह से आता है। लाइक ये थ्री शेड है, एक ब्राउन है, एक डार्क ब्राउन है, एंड यहाँ पे ये हाइलाइटर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, भले आप बिगनर्स हैं या नहीं, बट ये भी 150 के रेंज में आपको ईजिली मिल जाता है। लिपस्टिक्स के लिए बात आती है ब्लश की, तो ब्लश में मेरे पास वेट एंड वाइल्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जो कि मैंने अभी भी यूज़ किया हुआ है अपनी स्किन पे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा एक न्यूड पीच सा शेड है, जो कि आपको आई गेस 100 के अंदर 200 के अंदर मिल जाता है। ये आपको ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड लिपस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, सॉरी पहले मैं लाइनर के बारे में बात कर लेती हूँ। लाइनर के बारे में मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखा है, मैंने बस एक यहाँ पे लैक्मे का रखा हुआ है, शायद आपको 100 समथिंग के रेंज में मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्ट इसका प्राइस नहीं पता, जो कि मेरा हमेशा ही फेवरेट है। लाइक आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ में मिल जाती है, एंड इसकी जो ये जो ब्रश है इसे काफ़ी अच्छी टिप लाइक क्रिएट होती है, काफ़ी ज़्यादा स्मूद और काफ़ी इसकी नेचुरल फिनिशिंग आती है, इसलिए ये काफ़ी सही है। एंड लिपस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत अलग से नहीं हैं, क्योंकि अंडर 500 सब कुछ रखना था, तो मैंने ये स्टे कोकी की मिनी लिपस्टिक्स को रखी हैं। अगर आपने ये इसका हॉल वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। ये आई गेस ये 100 समथिंग की रेंज में मिल जाएंगी आपको, मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो कि न्यूड कलर है, दोनों ही न्यूड है, जिसमें से एक मैंने अभी लगाया हुआ है, एक न्यूड रेड है एंड एक आपको मैं इसका यहाँ पे स्वॉच दिखा देती हूँ, कुछ ऑरेंजेस टोन में है जिसको अभी मैंने लगाया हुआ है। एंड ये जो नेक्स्ट है ये मेरे पास है, एक्चुअली इसके ब्रशेस में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इसको 3 मंगवाया था, एक टूट गई थी, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। लाइक दोनों ही ऑलमोस्ट सेम कलर हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, एक शेड नंबर 1 है एंड एक 15 है, तो ये। एंड इसके बाद मेरे पास है स्टे क्वेकी बैडास का ये लिप क्रेयॉन, जिसको मैंने ऑलरेडी देख सकते हैं आप कितना यूज़ किया हुआ है, ये है, दिस इज़ इन द शेड 20, ये देख सकते हैं आप कुछ, जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट सा कलर है ऑरेंजिस न्यूड में। एंड इसके बाद NYB का है मेरे पास शेड नंबर 24, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी लाइट शेड है ये, लाइक मॉफी पिंक टाइप का शेड है ये। एंड नेक्स्ट मेरे पास है इसका शेड नंबर मेरे पास नहीं, आई एम सॉरी, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, ये कुछ इस तरह से है, लेकिन डार्क पिंक है ये शेड, मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा है। एंड इसके अलावा अगर आप एक ही कुछ ऐसा पैलेट चाहते हो जो कि मोस्ट अफोर्डेबल है, जो कि मेरा फेवरेट है फॉर बिगिनर्स, और वो ये है, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा पैलेट है, ये स्विस ब्यूटी का है, ये लिप पैलेट है पूरा, इसमें आपको पूरी तरह मतलब सारे ही शेड मिल जाते हैं, बोल्ड टू न्यूड ऑल लाइक शेड्स इन वन पैलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं आपको इसका, ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक अच्छी क्वालिटी में है ये, तो आपको मैं दिखाती हूँ कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं ये कितना ही ज़्यादा लाइक इनका कलर है, काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी में। मैं बाकी शेड्स भी आपको एक बार स्वॉच करके दिखा देती हूँ, तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आप कुछ ऐसा लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह की लाइक पैलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बाकी के शेड्स का, ये तो ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, ये शायद 200 में आपको ये इतनी बड़ी पैलेट पूरी मिल जाती है, जिसमें कि अमाउंट ऑफ लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा लाइक अच्छा है, क्योंकि इतना कम भी नहीं है, एंड आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड गाइज अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है trendspace with खुशी, तो प्लीज़ आप उसको जाके फॉलो करिए, एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।